हेलो दोस्तों, मैं धीरज यादव, आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल धीरज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप अपने फेसबुक पेज को डिलीट किए हैं या आपका फेसबुक पेज गलती से डिलीट हो गया है, आप उसको रिकवर करना चाहते हैं या फिर से वापस लाना चाहते हैं, तो मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा कि कैसे आप अपने डिलीट हुए फेसबुक पेज को फिर से रिकवर कर सकते हैं या दोबारा वापस ला सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप जब अपने पेज को डिलीट किए होंगे उस दिन से लेकर आप 14 डेज के अंदर अपने पेज के डिलीशन को कैंसिल करके अपने पेज को फिर से रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने फेसबुक पेज के डिलीशन को 14 डेज के अंदर कैंसिल नहीं करेंगे तो आपका पेज हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा 14 डेज के बाद। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आपको अपने फेसबुक को ओपन कर लेना है। फेसबुक को ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको ऊपर में 3 लाइन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ 3 लाइन पे क्लिक करना है। 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको पेज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको यहाँ पेज पे क्लिक करना है। पेज पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके फेसबुक पे जितना सारा फेसबुक पेज होगा वो यहाँ पे सारा शो कर देगा। अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जो आप फेसबुक पेज डिलीट किए होंगे वो आपको यहाँ पे अनपब्लिश्ड पेज के ऑप्शन पे मिलेगा। तो दोस्तों, जिस पेज को मुझे रिकवर करना है वो यहाँ पे देखिए अनपब्लिश्ड पेज के ऑप्शन पे एंडी क्रिएशन के नाम से है। दोस्तों, इस एंडी क्रिएशन पेज को मैंने कल डिलीट किया था, आज मुझे इस पेज को रिकवर करना है। तो रिकवर करने के लिए सिंपली इस पेज के ऊपर क्लिक करेंगे। पेज के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों पेज ओपन होकर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों हमें ऊपर में सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे हमें सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जनरल का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे हमें जनरल पे क्लिक करना है। जनरल पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस मिलेगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा से नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आएंगे, तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कैंसिल डिलीशन का। दोस्तों, यहाँ पे देखिए कैंसिल डिलीशन के ऑप्शन में दिया है कि एंडी क्रिएशन इज शेड्यूल टू बी डिलीटेड इन 14 डेज, यानी एंडी क्रिएशन पेज 14 दिन के अंदर पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे यहाँ पे एंडी क्रिएशन पेज के डिलीशन को कैंसिल करके पेज को फिर से रिकवर करना है। तो दोस्तों, इस पेज को रिकवर करने के लिए यहाँ पे कैंसिल डिलीशन पे क्लिक करना है। तो चलिए कैंसिल डिलीशन पे क्लिक करते हैं। कैंसिल डिलीशन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछेगा, आर यू श्योर यू वांट टू कैंसिल द डिलीशन ऑफ एंडी क्रिएशन, कि आप श्योर हैं अपने एंडी क्रिएशन पेज के डिलीशन को कैंसिल करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप श्योर हैं कि आप अपने फेसबुक पेज के डिलीशन को कैंसिल करना चाहते हैं तो आप यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करिएगा। तो दोस्तों, मुझे यहाँ पे एंडी क्रिएशन पेज के डिलीशन को कैंसिल करना है। डिलीशन को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे हमें कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारे फेसबुक पेज का डिलीशन कैंसिल हो जाएगा। दोस्तों, डिलीशन कैंसिल होने के बाद हमारा फेसबुक पेज फिर से रीएक्टिवेट या रिकवर हो जाएगा। दोस्तों, पेज डिलीशन कैंसिल होने के बाद यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि पेज डिलीशन कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों आप अपने पेज को पहले की तरह यूज कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से पेज पे बैक लेके चल रहा हूँ, वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि पेज हमारा पूरी तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम पेज पे देखिए बैक आ चुके हैं। बैक आने के बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको हम फिर से एक बार रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा पेज पूरी तरीके से रिकवर हो गया है, यानी डिलीशन कैंसिल हो गया है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ गया कि आपका डिलीशन पेज कैंसिल हो गया है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने पेज के डिलीशन को कैंसिल करके अपने पेज को फिर से रीएक्टिवेट कर सकते हैं 14 दिन के अंदर। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।